अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, बंद कर। मैं बना रही हूँ रोटी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज बस दिन में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत और काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, इसकी वजह से मैंने मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं किया। और अभी मैं बना रही थी रात का खाना, और रात के खाने में मैंने बनाए थे आलू, चिकन और मटर। माशाल्लाह ये मेरे घर में बहुत बच्चे पसंद करते हैं और बहुत ही मज़ेदार खाना बनता है, तो इसलिए ना मैंने कहा चले मैं इधर से ही आज के ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो ये जी हमारा बन रहा था अभी सालन, और साथ ही मैंने बना रही थी रोटी क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। गेस्ट आए हुए थे, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा टाइम उनके पास बैठे बैठे ही हो गया, और इसलिए अब जल्दी जल्दी कर रही थी। और ये जी हमारा सालन हो गया है रेडी, तो अभी मैं दूंगी बच्चों को खाना, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगी कि आज के दिन भर में मैंने क्या किया। तो ये जी हम लोग बच्चों को खाना दे रही थी, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हुए थे, उनको भी खाना देना था। और जी आई हुई थी हमारे घर स्ट्रॉबेरी, तो जब भी स्ट्रॉबेरी आती है तो मैंने उसको अच्छे से ना इनको करती हूँ, इनके फ्लावर वगैरह ये उतार देती हूँ। उतार के मैं रख रही थी, साथ साथ मैं इनको उतार के इनको रख रही थी क्योंकि मैंने करनी थी फ्रीज़। तो जिस तरह मर्ज़ी आप इनको अच्छे से करके ना, इनके उतार के पत्ते वगैरह इसको अच्छे से वॉश करके ना, मैं इनको ड्राई करके इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब भी दिल किया अपना निकाली जितनी ज़रूरत है, और इनका बच्चों को शेक वगैरह बना के दे दिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड को मसला है, बीमार है, इसकी वजह से उनके लिए काफ़ी इन चीज़ों का देखना पड़ता है, उनको जूस वगैरह टाइम पर देना पड़ता है। और ये जी माशाल्लाह जो मैंने स्ट्रॉबेरी थी वो अच्छे से धो के साफ़ करके रख दी थी, और अभी मैं इनके पीसेस बना के इनको फ्रिज में फ्रीज़र में करूँगी। उसके बाद जी हमारे घर भी मटर भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, और मटर भी मैंने इसी तरह निकाल के इनको फ्रीज़ करना था। ये जी हमारी स्ट्रॉबेरियाँ हो चुकी हुई थी, और साथ ही हमारे हो चुके हुए थे मटर, तो अभी मैंने इनको करना था फ्रीज़। तो इसके लिए मैं बनाने लगी थी पैकेट, और अभी मुझे जो है दूसरे एयर टाइट पैकेट नहीं थे मिले, तो मैंने कहा चले जो घर में शॉपर हैं उसी से ही काम चलाते हैं। तो मैंने बाकी ये जो स्ट्रॉबेरियाँ थी इनको फ्रीज़ करना था। और दूसरा मैंने ये बताना था कि आज जो हमारे घर गेस्ट आए हुए थे तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, और माशाल्लाह सुबह है मानूर के स्कूल में कल्चर डे, तो उसकी भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ वीडियो। ये खाना हमारा बन चुका हुआ था, और भी घर में यही शॉपर थे, तो इसी में मैंने स्ट्रॉबेरियाँ फ्रीज़ करने के लिए रख दी हुई थी, और तो मैं मटरों के भी मैंने ऐसे ही पीसेस बना दिए थे, इस तरह पीसेस बना दिए थे। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आगे इंजॉय कीजिए जी मानूर के कल्चर डे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैं भी आपको इसका वॉइस ओपन कर देती हूँ।